बाहर से बुखलाए रोहित शर्मा ने धोनी के बारे में कुछ ऐसा बोला कि सुन करके आप भी हो जाओगे हैरान। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप भी एमएस धोनी और रोहित शर्मा में से किसको महान कप्तान मानते हैं इस वीडियो में कमेंट करके बताइए, और एमएस धोनी रोहित शर्मा को बेहतरीन कप्तान और बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। रोहित शर्मा ने धोनी के लिए एक ऐसा बात बोला जिसको सुन करके सभी स्टेडियम में भरे लोग हैरान हो गए। अपने इंटरव्यू के दौरान रोहित शर्मा ने ऐसे ऐसे खुलासे किए जिसको सुन करके आप भी तंग रह जाओगे। दोस्तों आपको बता दें कि आज खेले गए शानदार मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने 139 रन बनाए थे 8 विकेट नुकसान पे, जो कि चेन्नई सुपर किंग में 4 विकेट खोकर ये लक्ष्य को हासिल कर लिया। और आपको बता दें दोस्तों 14 गेंद शेष रहते हुए चेन्नई सुपर किंग की टीम ने 6 विकेट से एमएस को जीत लिया। और दोस्तों आपको बता दें कि मुंबई की तरफ से निहाल वधेरा ने सबसे ज्यादा 64 रनों की पारी खेला था, सूर्य कुमार यादव 22 गेंदों में 26 और क्रिस्टन स्टब ने 21 गेंदों में 20 रनों की शानदार पारी खेला था। लेकिन इस पारी के इन अहम पारियों की वजह से मुंबई को सम्मान जनक स्कोर तो मिला, लेकिन मुंबई इस मैच को जीत नहीं पाया। और इस मैच को डेविन के अनुभव 42 गेंदों में 44 रन, ऋतुराज गायकवाड 16 गेंदों की शानदार 30 रनों का पारी और शिवम दुबे 18 गेंदों में 26 रनों का पारी खेला। इसके चलते चेन्नई सुपर किंग ने इस मैच को 6 विकेट से जीत लिया। उसके बाद इंटरव्यू के दौरान रोहित शर्मा ने बोला कि एमएस धोनी द कैप्टन, वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन है दुनिया का, जो कि उससे बड़ा कैप्टन और कोई नहीं हो सकता। आपको बता दें दोस्तों कि रोहित शर्मा ने कई ऐसे खुलासे किए जैसे कि वो बोला कि तिलक वर्मा का नहीं खेलना भी ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जो कि तिलक वर्मा एक बेहतरीन बल्लेबाज है, मुंबई इंडियंस के लिए शानदार बल्लेबाजी किया है और कई मैचों में वो अहम पारी खेला है। दोस्तों आपको बता दें सूर्य कुमार यादव जब जब चला है तब तक मुंबई इंडियंस बढ़िया गया है। मुंबई इंडियंस का जीतने में अहम योगदान सूर्य कुमार यादव का भी होता है। आपको बता दें दोस्तों कि वहीं धोनी ने बताया कि रोहित शर्मा भी एक बेहतरीन कप्तान है, लेकिन रोहित शर्मा का टीम उस हिसाब से बैलेंस नहीं है। अगर सूर्य कुमार यादव चलता है तभी टीम कुछ कर पाता है, बाकी पूरा इंडिपेंडेंट है ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव रोहित शर्मा पे। दोस्तों आपको बता दें कि रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव अगर नहीं चलता है तो टीम का खस्ता हालत हो जाता और इसी कारण से मुंबई इंडियंस हमेशा हारते हुए नजर आता। दोस्तों आपको बता दें कि कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस का बॉलिंग में भी वो धार नजर नहीं आता जिस कारण से मुंबई इंडियंस कमाल कर पाए। आपको बता दें दोस्तों कि एमएस धोनी वो कप्तान है जो अपने दम पे, अपने दिमाग से, शातिर दिमाग से कई मैचेस जीते हैं। और इसके साथ ही चेन्नई सुपर किंग का दोस्तों यहां पे 12 पॉइंट हो गया है और 12 पॉइंट के साथ ही चेन्नई सुपर किंग दूसरे नंबर पे चले गए हैं। चलिए दोस्तों इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय।